बता दूं, कहता हूं बरसात में जॉगिंग करनी चाहिए, कितना मजा आ रहा है। जॉगिंग की जॉगिंग हो जाती है और मुझे तुमसे मिलने का मौका भी मिल जाता है। वो तो तुम वैसे भी मिल सकते हो, लेकिन बरसात में जॉगिंग करने का मजा ही कुछ और है, मिलने का भी मजा कुछ और है। अरे यहाँ पे कोई भुट्टे वाला होगा। अब जॉग करके तुम भुट्टा खाओगी? तो फिर कब खाऊंगी, मुझे कैलोरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भी खाती हूँ हजम हो जाता है। ओके मेरी माँ, ओके। अरे ओ नो, ओ ओ माय गॉड, किसी ने भाला मार दिया इसको, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसको। जल्दी से रिक्शा लाओ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन लेकिन ये सब किया किसने? प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहता। कौन कौन मारना चाहता आपको? हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब, हेलो भाई साहब, कौन कौन मारना चाहता है आपको? हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलिए। मोहित टैक्सी मिल गई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कोई फायदा नहीं है, ये मर चुका है। ओह माय गॉड, सवेरे सवेरे ये क्या देख लिया हमने, अब क्या करें? करना क्या है, ये सीआईडी का केस है, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। किसी ने देखा इसे भाला मारते हुए? सर इस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनकर हम लोग यहाँ भाग कर आए, लेकिन जब हमने देखा तो इस आदमी के पेट में भाला पहले से घुसा हुआ। पहले से? तो किसी को भागते हुए देखा आप लोगों ने यहाँ? नहीं सर। कुछ और? क्या पता चला? इसके शरीर पे चोट का कोई निशान नहीं, भाला लगने से पहले कोई झगड़ा वगैरह लगता नहीं क्या हुआ है? ऐसा हो भी तो सकता है सर, इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा और जिसके हाथ में भाला होगा उसी ने घुसेड़ दिया इसके पेट में। नहीं फिर जिस तरह से ये भाला मारा है शरीर के आर पार हो गया है, ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी ने खड़े खड़े ये भाला मारा है, जरा मुश्किल लगता है। तो भाला कहीं दूर से आया। कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ है इसके पॉकेट में? नहीं कुछ है। तुम कह रहे थे कि इसकी चिल्लाने की आवाज सुन के यहाँ पर आए? जी। तो ये क्या बोल क्या रहा था उस वक्त? जी ये कह रहा था कि इसे कोई मारना चाहता है। कौन कौन, कुछ नाम वगैरह लिया उसने? सर इससे पहले कुछ बोल पाता वो मर गया था। आप एक काम कीजिए, अपना नाम नंबर और एड्रेस दे दीजिए, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लेंगे। जी 98। रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब यहाँ आया तो आया कहाँ से? कपड़ों से तो ये आदमी खिलाड़ी लग रहा है, और इतनी सुबह सुबह भाला लगा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी कहीं प्रैक्टिस कर रहा हो और उसे वहीं पे भाला लगा हो, किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में? क्योंकि इतना लंबा भाला छाती में लेके आदमी ज्यादा दूर चल नहीं सकता है, आसपास ही होना चाहिए वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पता करते हैं। जहां पे लाश मिली है उसके पास यही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, देखिए यहाँ क्या पता चलता है। ऐसी जगह ये जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं भाला फेंकने का। मगर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जहाँ इतनी जोर से भाला फेंका कि बाहर जाके लगा आदमी? अरे सुनो जरा। हाँ जी सर। मैं मैनेजर को बुला के लाओ। क्या हुआ? एक लाश मिली है, उसी के बारे में कुछ पूछने आया, जाके बुलाओ। हाँ ठीक है सर, बुला। जीत देखा, जाल में फेंकने का प्रैक्टिस हो रहा है, इनमें से किसी ने तो देखा होगा, देखते इन्हीं से पूछते। बोलिए सर क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं, बाहर सड़क पे एक लाश मिली है जिसके शरीर में जेवलिन घुसा हुआ है,
भाला शरीर के आर पार हो गया है। आप जरा ये फोटो देखिए, पहचानते हैं सर? ये तो निशांत है। ये निशांत, तुमने फेंका ये भाला? हाँ सर, ये भाला हमारा है। आप जरा अपने सारे खिलाड़ियों को यहाँ बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। जितेंद्र, सारे प्लेयर्स को इधर लेकर। ठीक है, जाओ फटाफट। हे गाइस, इधर आओ, मेजर साहब ने बुलाया है। हेलो, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। फोटो देखिए, इस निशांत की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया इसका। खून? हाँ, हमें इसकी लाश स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर एक सड़क पे मिली है, और इसका खून भाला मार के किया किसी ने। और हमें शक है कि किसी ने ये भाला उसे यहीं पे मारा है, यहीं पे। फोटो में जो भाला है ये यहीं का है ना? हाँ जी हाँ, भाला तो ये यहीं का है, पर इसे मारा किसने होगा? ये तो आप लोग बताओ, किसने मारा है? देखो, इस तरह गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। खून हुआ है, खून। तुम लोगों ने कुछ देखा है यहाँ पे कुछ होते हुए? सर, हम में से किसी ने नहीं देखा। सर, ये शायद सुबह हुआ होगा। सुबह सुबह? क्या मतलब? क्योंकि निशान सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आता था, और तब तक कोई आता ही नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। उसे अकेले प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था। आज सुबह भी जल्दी आया था क्या? हाँ साहब, आज भी जल्दी ही आया था, सुबह 6:30 बजे। मैंने खुद नहीं गेट खोला था। अच्छा, उसके साथ कोई और भी था क्या? जी नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, अकेला था वो। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? अंदर आने के बाद बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा। और यहाँ से बाहर जाने का कोई और दरवाजा है? नहीं साहब, एक ही रास्ता है आने जाने का। मतलब कोई भी आएगा जाएगा किसी गेट से? जी साहब। जी, निशांत बाहर नहीं गया, और उसके अलावा कोई बाहर से अंदर नहीं आया, फिर भी उसकी मौत हो गई। जो कुछ भी गड़बड़ हुई है दया, कहीं पे हुई है। सर, खून यहाँ पे हुआ है तो जरूर इन खिलाड़ियों में से किसी ने किया है। और ये दोनों भी तो हैं, मैनेजर और वॉचमैन। पहले इन खिलाड़ियों से पूछताछ कर लेते। तुम लोग छान मारो इस मैदान की, देखो कुछ मिलता है क्या। खून यहाँ पे हुआ है तो खूनी ने जरूर कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा ही होगा। देखो। मैनेजर साहब, इनमें से जो खिलाड़ी भाला फेंकते हैं उन सबको एक तरफ करिए। ज्यादा भाषणबाजी करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो अच्छे अच्छे अपना मुंह खोल देते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप जल्दी से जल्दी बता दो, निशांत का खून किसने किया है? सर, सर, निशांत हमारा दोस्त था, हम में से भला उसे कोई कैसे मार सकता है? पता नहीं कौन क्या खुन्नस लेके घूमता है अपने पेट में। खून हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो हो गई, कोई जलन वगैरह होगी बेचारे से। सर नहीं, सर, सर हमने किसी को नहीं मारा है सर। नहीं नहीं नहीं, खून तुम में से ही किसी ने किया है। अच्छा, भाला फेंकने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मैं बताता हूं। ताकत, शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्यों? जी सर। दूसरे, भाला भाग के फेंका जाता है तो भागने के लिए जगह चाहिए। जी सर। और यही हुआ है निशांत के साथ, किसी ने पूरी ताकत से दूर से भाग के निशान पे भाला फेंका है जो उसके शरीर के आर पार हो गया है। तो खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जो जैवलिन फेंकना जानता है, मतलब खूनी आप में से कोई एक है। ये कैसे हो सकता है सर, हमने तो आज उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और वैसे भी वो सुबह जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। सर, सर ये खिलाड़ी हैं, बेचारे दिन रात प्रैक्टिस करते हैं कि ओलंपिक वगैरह में इनका नाम हो और इनकी जिंदगी बन जाए। सर,
इन लोगों पर खून का इल्जाम लगाना ये ठीक नहीं होगा। तो फिर किसने किया है? ये लोग नहीं है तो कौन है? कितने बजे आए थे आप लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज? जी यही कोई 7:30 बजे। किसी को देखा पहले ग्राउंड? जी नहीं साहब, किसी को नहीं। वॉचमैन, ये लोग सच बोल रहे हैं? 7:30 बजे आए थे लोग? जी साहब। निशान 6:30 बजे आया था ग्राउंड पे और ये लोग 7:30 बजे, मतलब ये खून 6:30 से 7:30 के बीच में हुआ है। यस डॉक्टर सोनाली, ठीक है ठीक है, मैं आता हूं। आला लगने के काफी देर बाद तक जिंदा था ये, मदद के लिए चिल्लाया भी, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। कोई इसे वक्त पर अस्पताल ले जाता तो बेचारा बच जाता। वही तो, आजकल किसी के पास कुछ टाइम ही नहीं। संभाल पे डॉक्टर सानुकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं वो बिल्कुल खराब नहीं होने वाले। मैं भी यही चाहता हूँ सोनाली, सिर्फ एक यही चीज है हमारे पास, उंगलियों के निशान, जिससे हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर सालुंके, मुझे अपना काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है, मुझे धोखा मत दीजिए। तो कम सोनाली, इस भाले पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं ना, सबके सब उठाओ, देखे तो सही आखिर इस बेचारे को किसने भाला मारा है। जी। अगर मारने वाले ने भी ग्लव्स पहन के भाला मारा तो निशान मिलना ही मुश्किल होगा। नहीं अभिजीत, ग्लव्स पहन के भाला नहीं फेंका जा सकता, ग्रिप नहीं मिलेगी, असली में पकड़ में नहीं आएगा, नंगे हाथों से ही फेंका जा सकता है भाला। जिसने भी ये भाला मारा है उसका निशाना काफी जबरदस्त है, तभी तो भाला बॉडी के बीचों बीच से पार निकला है। बिल्कुल बॉस, खूनी अगर 1 इंच भी इधर उधर होता ना तो ये भाला इसके शरीर के बाजू में से निकल जाता। खैर, अभी हम ये देखते हैं कि आखिर ये भाला इसके शरीर से कितना बाहर निकला। देखो, दो फिट 7 इंच बस, ये भाला इसके शरीर से 2 फिट 7 इंच बाहर निकला। सोनाली एक काम करो, जरा पता करो कि कितनी रफ्तार से और कितनी दूर से भाला फेंका गया होगा इसके शरीर से 2 फिट 7 इंच बाहर निकला। अभिजीत, जिसने भी ये भाला फेंका है वो बहुत तेजी से दौड़ कर आया होगा और उसने कुछ 10 से 15 मीटर की दूरी से बहुत जोर से इस भाले को मारा। तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ये खून। बिल्कुल बॉस, अगर कोई खिलाड़ी इस भाले को फेंकता तो भाले का मुंह ऊपर की तरफ होता, भाला पहले हवा में ऊपर की तरफ जाता ऐसे, और फिर भाला नीचे की तरफ आता और उसका मुंह ऐसे होता नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा है नहीं बॉस, इसके शरीर में भाला ऐसे गया है, सीधा एकदम जमीन के समानांतर, कंप्लीटली पैरेलल। इसका मतलब साफ है अभिजीत, किसी ने खून करने के इरादे से इसे भाला मारा है। क्यों? वैसे कितनी स्पीड होती है भाला फेंकने की? 1 सेकंड में 5.5 से 7.5 मीटर तक जाता है। खूनी जो कोई भी है वो वहां प्रैक्टिस करने तो बिल्कुल नहीं आया था, वो तय करके आया था कि उसे निशांत की जान लेनी है। मतलब खूनी कोई पेशेवर खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन, जो जानता है कि कहां से खड़े होकर कितनी तेजी से भाला फेंका जाए इससे भाला बॉडी के आर पार चला जाएगा। बिल्कुल सर, खूनी वहीं पर ही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सर ये देखिए खून, सर दूसरी जगह जो खून मिला है वहां से ज्यादा खून यहाँ है सर। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो छटपटाया होगा तभी जाके इतना खून गिरा है यहाँ पे। हाँ सर, तो सर ये भी देखिए ये जूतों के निशान, सर यहाँ से लड़खड़ाता हुआ गया होगा। अरे क्या है ये निशान? यहाँ पर गिरा होगा,
इतना सारा खून, इसका मतलब खून यहीं पे हुआ है और उस वक्त हुआ है जब निशान के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब जब उसका खून हुआ वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे, तो खून ही किस तरफ होगा? मुझे मालूम है दया, खून ही किस तरफ खड़ा था। अभिजीत, मेरे पास पूरा नक्शा है, मुझे मालूम है निशांत कहाँ खड़ा था और खूनी किस तरफ। डॉक्टर साहब, हमें ये पता चल गया कि निशांत कहाँ खड़ा था, बस ये पता करना है कि उसे भाला किस तरफ से लगा। वो भी पता चल जाएगा। पेड़े, जरा एक डमी का इंतजाम और एक भाले का। यस सर। अभिजीत, अभी पता चल जाएगा कि भाला कितनी रफ्तार से है और खूनी कहाँ खड़ा। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी खूनी की, खुलेआम खून करके चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। बस मुझे लगता है खूनी इन खिलाड़ियों में से कोई है जिसे भाला चलाना अच्छी तरह से आता है। बस निशांत यहां खड़ा था तो खूनी उससे लगभग 10-15 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, जैसा हम लैब में बात कर चुके हैं। और साहब, 10-15 मीटर दूर इधर भी हो सकता है, 10-15 मीटर दूर इस तरफ भी हो सकता है, 10-15 मीटर दूर चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। नहीं, बस भाला उसके पीछे से ही चलाया गया, शायद खूनी भी यहीं से आया होगा। ओ, देखो बॉस, मैंने जैसा तुम्हें बताया, भाला इसकी पीठ पर ही मारा गया है। तो अभिजीत, हमें अब ये पता करना है कि इस तरफ से कितनी रफ्तार से भाला फेंका गया, राइट? करेक्ट। दया, बुलाओ किसी भाला फेंकने वाले को, बुलाओ। राघव, या ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। बस भाला यहीं से फेंका गया, तो यहीं खड़ा होगा वो खूनी। ये पता करना चाहिए कि खूनी यहाँ आया तो आया कहाँ से। आया तो वो जमीन से ही होगा, मेरा मतलब चल के ही आया है। ये वॉचमैन ये झूठ बोल रहा है, ये मिला होगा खूनी के साथ। जरा बुलाओ इस वॉचमैन को। क्या नाम है तुम्हारा? जी चमन। देखो चमन, सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें पैसे दिए मुंह बंद रखने के लिए? ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। अच्छा, तो फिर वो खूनी यहाँ अंदर आया कैसे और निशान को पीठ पे वो भाला लगने के बाद वो यहाँ से बाहर गया कैसे? मेरे सामने तो नहीं आया ना साहब। सच बात तो ये है, मैं कुछ देर के लिए चाय पीने के लिए बाहर चला गया था, शायद इसी बीच निशांत बाहर गया। अब खुली ना चौंच, हैं? पहले क्यों नहीं बोला? मुझे डर लग रहा था। तुम सही कह रहे थे अभिजीत, ये वॉचमैन भी मिला हुआ है, इसे सब कुछ मालूम है, ये तो उसी वक्त चाय पीने क्यों गया था? नहीं 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 साहब, ये झूठ है। सब पता चल जाएगा अभी। हो सकता है खूनी ये दीवारी बार फंक के आया, अगर ऐसा हुआ तो आसपास वालों ने देखा हो सकता। सचिन, आशा, तुम लोग जरा बाहर जाके पता करो किसी ने किसी को अंदर आते जाते देखा है क्या। सर, तब तक हम लोग उन लोगों की फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। ठीक है। ये देखो, होना हो खूनी यहीं से अंदर गया, तभी तो वॉचमैन को पता भी नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं। हाँ, लेकिन किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? एक आदमी आता है, भाले से खून करता है, वो निकल जाता है और कोई उसे देखता तक नहीं। चलो वहां पता करते हैं।
आप लोग एक काम करिए, एक एक करके यहाँ पे आइए और इस मशीन में अपने दोनों हाथ रखिए। सर आप लोग अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और हमारा भी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो उस मशीन पे उंगलियों के निशान लेने का फायदा क्या है? आपसे जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? सब लोग कान खोल के सुन लो, कोई भी चूचा नहीं करेगा। खून का मामला ये, जाइए। दोनों हाथ रखो यहाँ पर सीधे। ठीक है, थैंक यू। रेडी नेक्स्ट, सीधे चलो। ठीक है नेक्स्ट रेडी। आइए चलो। ठीक है अभिजीत। यस डॉक्टर। बस इस भाले पर इन खिलाड़ियों में से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान हैं। कौन कौन है? ये देखो, राघव, सुमित, महेश, नरेश और नीरज। राघव, सुमित, महेश, नरेश और नीरज, तुम लोगों ने भाले को हाथ लगाया। हमें कुछ नहीं मालूम सर, हम यहाँ 7:30 के बाद आए थे। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। वॉचमैन खुद फंसा हुआ है, वो क्या बताएगा? एक मिनट। क्या दीदी, इन खिलाड़ियों में से करीब करीब सभी ने इस भाले को छुआ है, लेकिन फिर भी एक निशान ऐसा है जो इन खिलाड़ियों में से किसका है। किसका निशान? शायद खिली का। और है कौन ये? वही होगा दया, जो भाला फेंकना जानता है, जिसे ये मालूम है निशान कब आता है प्रैक्टिस करने। सुनिए, यहाँ पर एक। अरे मैम साहब, हम पर छोड़ दीजिए। ऐसा मीठा पान बनाएंगे ना, एक बार खाओगे तो हमारी दुकान कभी नहीं भूलोगे। देखिए भाई साहब, हमें पान वान नहीं चाहिए। आपकी दुकान कितने बजे खुलती है सुबह? इस एरिया में सबसे पहले हम ही दुकान खोलते हैं। ठीक 6 बजे हमारी दुकान खुली मिलेगी, चाहो तो घड़ी मिला कर देख लीजिए। इधर आइए बाहर जरा। जी, ये सामने दीवार देख रहे हो? हाँ साहब। यहाँ से लोग आते जाते हैं क्या? साहब दीवार पे से? साहब हाँ, ऊपर से कूद के। हाँ साहब, वो कई बार लोगों को गेट से आना भारी पड़ता है ना, तो इसलिए लोग दीवार फांद कर आ जाते हैं साहब। इसका मतलब यहाँ से लोग आते जाते हैं? क्या हुआ साहब, कोई चोरी करके भाग गया है? चोरी करके नहीं, खून करके भाग गया है। खून? आप लोग कौन है? हम लोग CID से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक खून हुआ है, उसी की छानबीन कर रहे हैं। खून? ये बताओ कि सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में तुमने यहाँ से किसी को अंदर जाते देखा था क्या? जाते हुए तो नहीं, पर साहब बाहर आते हुए देखा था। देखा था? कितने बजे की बात है? यही कोई 7:15 बजे करीब, उस समय हम नाश्ता कर रहे थे। उस आदमी को पहचानते हो तुम? नहीं साहब। कुछ तो मालूम होगा उस आदमी के बारे में। वो आदमी भागते हुआ है दीवार कूद कर और स्कूटर पर बैठकर निकल गया। स्कूटर था उसके पास? कैसा था? मेरा मतलब है किस रंग का था? वो सलेटी रंग का स्कूटर था। सलेटी रंग का स्कूटर? और क्या देखा तुमने, कुछ याद है? और साहब अभी हम सोच ही रहे थे कि ये आदमी भाग क्यों रहा है। ठीक 2 मिनट के बाद दूसरा आदमी भागते हुए आया, वो भी उसके पीछे स्कूटर पर बैठा और निकल गए दोनों जने। मतलब दो आदमी थे? हाँ हाँ, दो लोग थे। दो लोगों ने खून किया है? ठीक है। यहीं से कूदा। हाँ अच्छा, ये देखो, ये जाने के निशान भी है और ये आने के निशान भी, और ये खूनी के ही पैरों के निशान है। हो सकता है, क्योंकि खूनी तो यहीं से भागा था। अच्छा एक काम करो, तुम अभिजीत सर को बुला लो। यस। सो
अरे देखिए खूनी के जूतों के निशान से यहां से सर यहीं से भागा है। दो अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं, मतलब दो लोगों ने खून किया है। हाँ सर, बाहर जो पान वाला है वो भी यही कह रहा था कि उसने दो लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा। वेरी गुड। पान वाला पहचानता होगा इसे? नहीं सर, उसने उनकी शक्ल नहीं देखी सर, क्योंकि वो लोग भाग के आए, दीवार कूद के और स्कूटर पर बैठ के निकल गए। ओके, तो ये जूतों के निशान है तो यहीं से बाहर गए होंगे। शुक्र है मिट्टी गीली है यहाँ की, कम से कम जूतों के निशान तो मिल गए। ये निशान हमारे बहुत काम आएंगे, यही निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे। दया ये यहां तक आया निशान, यहां पे खड़े थे वो दोनों। अभिजीत, दो दो लोगों ने मिलके खून किया है, एक तो वो जो निशान से बात कर रहा था और दूसरा वो जो भाला फेंका जिसने, और उसके बाद मारने के बाद दीवार पे से कूद के भागे। और सर कमाल की बात तो ये है, इनको किसी ने देखा था कि नहीं? कॉलेज का कोई आदमी है जो इन लोगों से मिला हुआ था। तो क्या सर खूनी इन खिलाड़ियों में से कोई है? हो सकता है फ्रेडी। लेकिन पता कैसे चलेगा सर कौन है वो? इस जूते के प्लास्टर का से मिल जाएगा वो खूनी। एक काम करते हैं, ये जो जितने खिलाड़ी खड़े हैं उनके जूते ये प्लास्टर कास्ट से मिला के देखो। सर दिस इज नॉट फेयर, आप हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। मगर आप लोगों से हम परेशान नहीं हुए। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, उसे लगता है कि वो बच जाएगा। हाँ तो सर खूनी को पकड़िए ना, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसी का इंतजाम हो रहा है। आप सब लोग लाइन लगाइए, खड़े हो जाइए। दया सबके जूते चेक करते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन खूनी है। कौन कौन खूनी है मतलब? मतलब खूनी एक नहीं दो है, दो। चलो एक एक करके अपने जूतों के निशान दीजिए। आइए तुमसे ही शुरू करते हैं, बहुत बकबक कर रहा था। आ जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। अब आइए। कमाल है विजय, किसी के भी जूते के निशान मैच नहीं हो रहे। ऐसा हो कैसे सकता है? मैनेजर साहब इधर आइए। जी सारे खिलाड़ी मौजूद है ना यहाँ पे? नहीं सर, एक सुमित नहीं है, शायद बाथरूम गया। बाथरूम? बाथरूम लग गई उसे, कोई बात नहीं, बाथरूम चल के देखते हैं। कहाँ है बाथरूम? सुमित, सुमित दरवाजा खोलो। सुमित, सुमित सो तो नहीं कर रही? देखो सुमित, अगर तुम दो मिनट में बाहर नहीं आए तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। शायद ये डर रहा है। देखो सुमित तुम डरो मत, हमें देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें जूते का निशान लेना है बस। सुमित कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक काम करते दरवाजा तोड़। ये तो मर चुका है, मगर अंदर बंद बाथरूम में ये कैसे मर गया? लगता है इसने कोई जहर खाया है। ड्रग्स? ये तो एक तरह का जहर है, जूते मिला के देखो।
निशान मैच हो गया। ये देखिए, ये सुमित ही वहां पे खड़ा था, ये सामने खड़ा था, और भाला किसी और ने मारा। इसका मतलब यह है कि खूनी हमारी पकड़ से अभी भी दूर है। हाँ। लेकिन कमाल, लाश को फॉरेंसिक भेजो। ये तो पता चलेगा कि इसकी मौत ड्रग लेने से हुई है या इसे भी खूनी ने मारा है। कोई चोट वोट लगी है क्या इसे? ना, बस चोट का तो शरीर पे कोई निशान नहीं, ये है सिर्फ सूखा हुआ झाग। कोई जहरीली चीज गई है पेट में? पता चलेगा अभी, डॉक्टर सोनाली चेक करेंगे। डॉक्टर साहब, सोनाली जी के आने से आपका काम काफी आसान हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? इससे पहले मैं काम नहीं कर रहा था। नहीं, मेरे कहने का मतलब है काम अब फटाफट हो जाता है, फटाफट। अभिजीत, ये आदमी जहर से नहीं मरा है। सुन लिया? फटाफट आधी बात बोल दी और हो गई। सोनाली, जहर से मौत नहीं हुई है तो किस वजह से हुई है ये कौन बताएगा? डॉक्टर सालुंखे, अब तक ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत कोकेन से हुई है। कोकेन तो इसने ली, हो सकता है ज्यादा मात्रा में ले ली। तो मतलब ये अपने आप मरा है, किसी ने मारा नहीं है इसे? देखिए, मौत तो इस आदमी की कोकेन से ही हुई। अब कोकेन इसने खुद ली है या इसे जबरदस्ती दी गई है, ये बताना जरा मुश्किल है। सर, इस भाले के ऊपर से मुझे ये धागा मिला है। तारिका जी भी सोनाली जी से पीछे नहीं रहती है? तो सुन लो ना, क्या कहता है धागा तारिका जी? जिस किसी ने भी ये भाला पकड़ा था उसने अपने हाथों में पट्टी बांध रखी थी ताकि उंगलियों के निशान ना आ जाए इस भाले के ऊपर। ये सुमित का दोस्त है राघव। यहाँ ये? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? इस सुमित का चेहरा देखने के लिए। नहीं, मैं नहीं देख सकता। इधर आओ, देखो, देखा? ड्रग्स से मौत हुई है इसकी, कोकेन खाने से। ड्रग्स लेता था ये? जी सर, रोज लेता था। रोज ड्रग्स लेता था, तो फिर ड्रग्स से मौत कैसे हो गई इसके? सर पता नहीं, बट पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था ये। क्यों? इसके पास ड्रग्स लेने के पैसे ही नहीं थे। पैसे नहीं थे तो फिर? इसने मुझसे भी पैसे मांगे थे लेकिन मैंने भी नहीं दिए। तो फिर इसने वो कोकीन खरीदा कहां से? कहां से खरीदा था इसने ड्रग्स? सर वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मिलती है, वहीं से खरीदी है इसने। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? माल चाहिए माल। हाँ है क्या? आजा पीछे आजा। अभी बोल, इधर का चाहिए, बाहर का चाहिए, किधर का चाहिए वो बता। जो सबसे अच्छा माल है वही चाहिए बस। सही जगह आया है तू, 100% माल है, बिल्कुल प्योर असली। असली माल ही चाहिए, नकली देगा तो देख लेना तू। हाँ, तेरे को इधर का पता किसने बोला रे? किधर माल मिलता है? अब वो मैं भाई इधर पूछते हैं। आप फिर भी बताया, किसी ने तो बताया होगा। वो तुपिया, तुपिया ने बताया। तुपिया? तुपिया कौन? अपना वो चारना के वाला। ओ अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। कितना दूँ? जितना सुमित को दिया। कौन सुमित? हाँ वही सुमित, वो स्पोर्ट्स वाला जो ड्रग के ओवरडोज से मर गया था। ए तू है कौन भाई? रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं, मगर आज तबीयत थोड़ी खराब है,
इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। सीआईडी? अरे तू तो डर गया, कांप रहा है तू? सब वो सब मुझे माफ कर दो साहब। देख अब तू कान पे रगड़ या नाक पे रगड़, कोई फायदा नहीं है। तुमने भी था ना ड्रग्स सुमित को, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है ना? नहीं साहब। नहीं साहब, उसने मेरे को बोला कि उसने कोई बड़ा काम किया है तो उसको थोड़ा ज्यादा ड्रग चाहिए था। तो कौन सा बड़ा काम किया था ये मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन उसने मेरे को पैसे ज्यादा दिए थे साहब। उसने जो पैसे दिए थे वो कहाँ? वो पैसा तो साहब मैं खा गया साहब। खा गया? पैसे कहाँ हैं? क्या जहाँ में ऐसे पैसे क्या साहब, हथौड़ा मार दिया था, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। आंखों के आगे सितारे आ गए साहब, ये लो। थैंक यू। इस तरीके से तो कुछ भी मिलना मुश्किल है। अरे का तुम एक काम करो, वो फिंगरप्रिंट वाला स्प्रे लेकर के आओ। ये जो सफेद सफेद निशान है ना, इन पर स्प्रे करके देखते हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जी सर। स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे नोट नहीं फेंक जाएंगे? यार दूर से करो ना स्प्रे, जरूरी है सारे नोटों को स्नान करवाना। अरे वाह, मेरी बात आप मुझे समझा रहे? लेक्चर मत दिया कीजिए। प्लीज प्लीज इन्हें दे दो भाई, पहले इन्हें दे दो, देखें ये क्या तीर मारती हैं। प्लीज डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका। दूर से कहा था ना? हाँ दूर से। हाँ दूर से ही करती हूँ। हाँ दूर से किया है, कुछ नहीं मिला भाई। तो चलिए पास से कर लेते हैं, है ना? ओ ओ, गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ हो गई ना? लाइए मुझे दे दीजिए आप। प्लीज आप ही ले लीजिए। ये देखो छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे ना, एक काम करो इन नोटों को एक एक करके स्कैनर में डालो। हाँ और इनको मैच करके देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्विक सावंकर साहब, नोटों पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? हाँ मिले ना बहुत, वही तो मिलाकर देख रहे हैं। किससे मिला के देख रहे हैं आप? किससे क्या? अरे वही भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिले थे ना उंगलियों के निशान, अरे सबको लाइन में लगा करके लिए थे ना निशान तुम लोगों ने। हाँ उसी वक्त तो मिली थी सुमित की लाश। मैच फाउंड, आपका खूनी मिल गया। कौन है खूनी? देखिए इस नोट पर सुमित की उंगलियों के निशान, इसका मतलब सुमित ही खूनी था। इतना जल्दी कहना तो मुश्किल है, और भी निशान होंगे ना नोटों पे। बस खूनी कोई भी हो, अगर उसकी उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड में हैं, तो जरूर पता चल जाएगा। तारिका नेक्स्ट नोट। यस सर।
Not found. Next. Match found. Who is it? Hiten. ये हितेन तो एथलीट है ना सर? हाँ, ये तो हर रोज आता है ना वहाँ पे। मगर इसने नोटों पे हाथ क्यों लगाए होंगे? इस हितेन ने ही दिए होंगे नोट सुमित को ड्रग्स लाने के लिए। सर, आप लोग यहाँ आइए ना सर, प्लीज अंदर आइए। यहाँ कैसे आना हुआ सर? कुछ पता चला खूनी का? देखिए मिस्टर हितेन, खूनी का पता तो चल जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो आपने किया ना वो ठीक नहीं किया। मैं कुछ समझा नहीं। अगर हम आपके घर पे आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी ना, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। मतलब इस नोटों के बंडल को पहचानते हो? पहचानता हूँ। मतलब ये तुम्हारा है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये नोट्स तो किसी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये मेरे हैं। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो, ये नोटों का बंडल तुम्हारा है कि नहीं? इस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है। क्या देख सकता हूँ? सर, ये नोट तो मेरे ही हैं सर। ये डॉट मैंने ही दिया सर। अच्छा हुआ जो तुमने सच बोल दिया और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। मगर ये नोट आपके पास कैसे आए सर? उसी के पास से जिसे तुमने दिया था। मैंने? हाँ, ड्रग्स बेचने वाले को तुमने ही दिए थे ना? ड्रग्स बेचने वाले को? हाँ, सुमित को तुमने ही दिए थे ना ये नोट ड्रग बेचने वाले को देने के लिए? सर ये झूठ है, मैंने ये पैसे किसी को नहीं दिए। मेरा किसी तरह का ड्रग से कोई लेना देना नहीं है और मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता हूँ सर। तुम्हारा ड्रग से लेना देना नहीं है लेकिन निशांत की मौत से तो तुम्हारा लेना देना है ना? सर ये सच नहीं है सर। तुमने सुमित को इसीलिए पैसे दिए ना कि निशांत के खून में मदद कर सके वो? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, खून करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बंद करो ये सब और ये सच सच बताओ कि क्या हुआ था। सर सर उस वक्त मैं वहाँ था भी नहीं जब खून हुआ सर। कहाँ थे तुम उस वक्त? मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में था। आप सर ये वहाँ का कार्ड है सर, सर आप पूछ सकते हैं सर वहाँ। ठीक है पता करते हैं। क्यों किया आपने ये सब? क्यों क्या किया मैंने? आपने ये सब क्यों किया? लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे पैसे। ओ तो तुम पैसों की बात कर रहे हो। आपने निशांत का खून किया? हाँ मैंने किया है निशांत का खून। मगर आपने निशांत का खून क्यों किया? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें ओलंपिक में भेजना चाहता था, निशांत को नहीं। तुमने ले लीजिए और निशांत ने। एक मासूम लड़के की जान ले ली तुमने, शर्मानी चाहिए। कोच किसने बनाया? बाकी का सब खेल छोड़ के मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। माना कि तू खिलाड़ियों को कूदना भागना सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। हम भी थोड़ा बहुत भाग लेते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे भगाने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा थी? वो प्रैक्टिस कर रहा था मैं। क्यों मारा निशान? निशान कौन? निशान कौन? निशान हाँ
मैंने मारा निशांत को, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भतीजे हितेन के लिए मारा उसे। हितेन के लिए क्यों? मैं अपना टूटा हुआ सपना पूरा करना चाहता था। कैसा सपना? मैं एक जेवलिन थ्रोअर हूं, बहुत अच्छा भाला फेंकता हूं, कोई नहीं था मेरे मुकाबले में, मगर आज तक किसी ने मुझे नहीं चुना। तो इसमें निशांत का क्या दोष है? हैं? वो हितेन के रास्ते में आ रहा था। बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बोलो। मैं हितेन को ओलंपिक्स में भेजना चाहता था, कर वो निशांत उसके रास्ते में पत्थर बना हुआ था। छी अंकल छी, आपने इतना घिनौना काम किया, अरे मुझे तो शर्म आ रही है आपको अंकल कहते हुए। सुना, जिसके लिए तुमने खून किए वो क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? मारा कैसे निशांत को तुमने? उसके लिए मैंने सुमित को पैसे दिए थे, हितेन से लेकर, और सुमित को कहा कि वो सुबह सुबह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाए और निशांत को अपनी बातों में लगा कर रखे। यार सुबह सुबह जल्दी आके प्रैक्टिस करने का मजा ही अलग होता है ना सुमित? हाँ यार, ये तो है, आज सुबह जल्दी आकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बता, आज अचानक जल्दी आने का ख्याल कैसे मन में आया? बस ऐसे ही, ओलंपिक्स पास आने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रैक्टिस में ये सुबह वाली प्रैक्टिस भी जोड़ दूं, शायद मेरा नंबर भी लग जाए। अरे यार तेरा नंबर जरूर आएगा, लेकिन एक बात बता लतीफ, इससे पहले तो तू कभी जल्दी नहीं आता था। कभी कभी ही आता था, वैसे इस साल तो तेरा नंबर लगा ही लगा, ओलंपिक्स जाने वाली गाड़ी में तू जरूर बैठेगा। उम्मीद तो है यार, देखते। लेकिन यार भगवान से मेरे लिए दुआ जरूर करना, ठीक है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। वाह, आजकल सर्दी आए यहाँ पर, अच्छा है, आजकल लोग ओलंपिक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। अभी आजकल मैदान में कुछ और लोग भी दिख रहे हैं, वरना मैदान में अकेला प्रैक्टिस कर करके थक गया था यार मैं। आज के बाद सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा यहाँ। फांसी तो होगी तुम्हें, दो दो खून किए तुमने, और एक कहावत भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा, समझे चाचा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.